हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी किचन की थाली में आप सभी का स्वागत है। आज बना रही हूँ सेजवान एग राइस। तो सेजवान एग राइस मसाले के लिए क्या क्या लिए है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ बॉईल किया हुआ राइस लिया है, बॉईल किया हुआ एग लिया है, चॉप किया हुआ टमाटर लिए है, स्प्रिंग ऑनियन है चॉप किया हुआ, और लहसुन है चॉप किया हुआ, शिमला मिर्च, पुदीना पत्ती, साथ ही नमक लिया है चॉप किया हुआ, हरा धनिया है चॉप की हुई, हरी मिर्च है, गरम मसाला है, सेजवान सॉस। चलिए बना लेते हैं। यहाँ अंडों में हल्के हल्के से होल कर लेंगे और ये बनाना बहुत आसान है, जल्दी मिनटों में बनता है। कोई खास मसाले नहीं डालें, सारे घर के मसाले हैं। तो ये अंडों को हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, एक अच्छे से कलर आने तक। ये आप कभी भी बना सकते हैं, किसी भी वक्त नाश्ते में भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो बना के देखिए एक बार, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हल्का हल्का कलर आता जा रहा है। मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, बहुत टेस्ट अच्छा आता है इससे। अगर आपके पास हो इस्तेमाल कर लें। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी मैं इसे। अंडे हमारे फ्राई हो गए हैं, मैंने निकाल लिया है इनको। आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच मैंने राई डाल दी है। यहाँ पे चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है। लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही डालें। चॉप की हुई हरी मिर्च डाल दी है और इनको भुनने तक चम्मच से चला लेंगे अच्छे से। दो पिंच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और एक पिंच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। इसे मैं लाइट कलर का बना रही हूँ, स्वाद काफ़ी अच्छा आएगा। चॉप किए हुए दो टमाटर डाल दिए मैंने इसमें और सभी को अच्छी तरह से भून लेना है। फिर आप देखेंगे कितने मिनटों में बन जाता है। यहाँ पर मैंने काला नमक डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया है, जब तक टमाटर निकल जाते तब तक इनको भूनना है अच्छे से एक बेहतरीन स्वाद के लिए। सारे मसाले भून जाने चाहिए अच्छी तरह से। लगातार चलाते रहेंगे। शिमला मिर्च डाल दी मैंने। आपके पास जो भी सब्जियां हो वो डाल सकते हैं। कटा हुआ धनिया डाल दिया मैंने, पुदीना पत्ती डाल दी। चला देते हैं अच्छे से और भून लेंगे सभी को। यहाँ हरा प्याज डाल दिए हैं, हरा प्याज का वाइट वाला हिस्सा, और इसे भी अच्छी तरह से चला लेंगे। सब्जियों को ज़्यादा नहीं भूनना है। यहाँ पे ले लिया सेजवान सॉस और इसे भी डाल देती हूँ अच्छे से। दो चम्मच सेजवान सॉस डाल दिया हमने। तेल मसालों का ध्यान रखें, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये बॉईल किया हुआ चावल डाल दिया मैंने। और चला देते हैं अच्छे से और अच्छी तरह से भून लूँगी मैं इसे। सारे मसाले मिल जाने चाहिए इसमें, तभी अच्छा स्वाद आएगा इसमें।
बहुत अच्छी तरह से भूनना है इसे, तेज गैस करके तेज आंच पे इसे भूनना है अच्छे से। लगातार चलाते जाएंगे। आप एक बार बना के देखेंगे तो आपको बार बार बनाने की इच्छा करेगी। इतने टेस्टी बनते हैं राइस। बॉईल किए हुए, फ्राई किए हुए अंडे डाल दिए हमने इसमें। अंडे डालने के बाद चम्मच को हल्के हल्के हाथ से चलाना है, वरना अंडे टूट जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक और भूनना है इसे, ताकि जो मसाले हैं वो अंडों में भी आ जाएं। कलर आ चुका है और हमारे राइस जो है, चावल बन के तैयार हो गए हैं। चलिए इसे इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। गरम गरम मैंने प्लेट में डाल दिया है और आप देख रहे हैं कितने खिले खिले बने हुए हैं। तो मिनटों में बनते हैं ये। बनाइए आप लोग भी, कमेंट्स में जरूर बताइए इसका स्वाद कैसा लगा। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ डाल दे रही हूँ मैं हरा धनिया, पुदीने की पत्ती और हरा प्याज। आप खा के देखें एक बार। चलिए हमारे राइस तैयार हो गए हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।